नमस्ते, जय हिंद। क्रिको पर आपका स्वागत है, मैं हूं रौनक। इंडियन क्रिकेट में हमेशा ही हर दशक में एक ऐसा बल्लेबाज आया है जिसने दुनिया भर में खूब नाम कमाया। शुरू से शुरू करें तो नवाब पटौदी, विजय हजारे, विजय मर्चेंट, सुनील गावस्कर जैसे नाम भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदलने में अहम रोल निभा चुके हैं। फिर आए सचिन तेंदुलकर, जिन्हें भारतीय फैंस ने भगवान का दर्जा दे दिया। सचिन को बैटिंग करता देख हर हिंदुस्तानी के दिल में यही आवाज आती थी कि काश मैं भी सचिन जैसी बैटिंग कर पाता। कुछ ऐसा ही ख्याल आया था दिल्ली के नजफगढ़ में रहने वाले किसान के बेटे वीरेंद्र सहवाग के मन में। सहवाग ने अपनी बल्लेबाजी को सचिन तेंदुलकर के अंदाज में ढाला और क्या गजब ढाला। देखते ही देखते इंडिया को मिल गया एक और सचिन, जो मैदान पर आते ही बिना एक भी गेंद वेस्ट किए गेंदबाजों पर टूट पड़ता था। और आज क्रिको पर उसी सहवाग की सबसे जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद पारी की बात करेंगे, जो उन्होंने 2011 में 8 दिसंबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेली थी। या यूं कहें कि उस दिन सहवाग ने होलकर स्टेडियम में वेस्टइंडीज की टीम में 219 रनों का होल बना डाला था। सहवाग ने वेस्टइंडीज के खिलाफ उस वनडे में उस समय की सबसे बड़ी 219 रनों की पारी खेली थी और अपने गुरु सचिन तेंदुलकर के 200 रनों के रिकॉर्ड को भी तोड़ा था। सचिन ने 24 फरवरी 2010 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे इतिहास का पहला दोहरा शतक बनाया था और केवल 21 महीनों में सहवाग ने वनडे क्रिकेट में रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ उस पारी में सहवाग ने 25 चौके और 7 छक्के मारे थे। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ उस मैच में टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया। सहवाग ने गंभीर के साथ पारी का आगाज किया और जल्दी अपने रंग में आ गए। मैदान पर ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां सहवाग ने शॉट न मारा हो। सहवाग की उस लाजवाब पारी के दम पर भारत ने 418 रन बना लिए 5 विकेट के नुकसान पर, जो अंतर्राष्ट्रीय वनडे में अब भी सबसे बड़ा स्कोर है। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 49.2 ओवर्स में सिर्फ 265 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने श्रीलंका के खिलाफ राजकोट में 15 दिसंबर 2009 को 414 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर। वीरेंद्र सहवाग ने 44वें ओवर में आंद्रे रसल की गेंद पर कट से चौका बटोरकर अपना दोहरा शतक पूरा किया था और 47वें ओवर तक वो क्रीज पर टिके रहे। सहवाग को उस मैच में कायरन पोलार्ड ने आउट किया। सहवाग के आउट होने पर भारत का कुल स्कोर 376 था। आउट होने के बाद जब सहवाग वापस पवेलियन जा रहे थे तब वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के लिए भागते हुए उनके पास पहुंचे, क्योंकि वो भी जानते थे कि उन्होंने अपने वनडे करियर की शायद सबसे बेहतरीन पारी देखी है। मैच के बाद सहवाग ने बताया कि उन्हें पावर प्ले से लगने लगा था कि वो डबल सेंचुरी जड़ सकते हैं। उन्हें पारी के दौरान जीवनदान भी मिला था। सहवाग ने कहा, जब पावर प्ले शुरू हुआ तो उसके बाद ही मुझे लगा कि मैं डबल सेंचुरी बना सकता हूं। जब डैरन सैमी ने मेरा कैच ड्रॉप किया तब तो मैं बिल्कुल समझ गया कि भगवान आज मेरे साथ। 3 साल तक सहवाग के नाम वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड रहा, जिसे रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ साल 2014 में कोलकाता में 264 रन की पारी खेलकर तोड़ा। तो कैसी लगी आज की हमारी स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ये भी बताइएगा कि वीडियो आप देख कहां से रहे और आपका नाम क्या है। क्रिको चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं यहीं पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। जय हिंद।